हेलो माय प्रीशियस फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने जो चैप्टर चल रहा था एसएसटी के अंदर कर चैप्टर नंबर 6 केंद्र सरकार चल रहा था, उसके अंतर्गत आज हम क्या देखेंगे, लास्ट टॉपिक देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात न्यायपालिका को देखेंगे। तीन अंग थे सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन अंग थे। इसमें से अब हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया सारे टॉपिक के साथ। अब हम क्या करेंगे, न्यायपालिका को। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ और अपने दोस्तों के साथ चैनल की डिटेल्स को शेयर करें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है केंद्र सरकार, अध्याय 6। ठीक, आज क्या पढ़ने वाले अपन, न्यायपालिका, जो कि क्या है, सरकार का तीसरा अंग है। ठीक है, थोड़ी भूमिका लेते हैं न्यायपालिका के विषय में, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु देखते हैं, कानून के अनुसार ना चलने वालों को दंडित करती है। न्यायपालिका जो होती है वो कानून के अनुसार ना चलने वालों को दंडित करती है, ठीक है ना। व्यवस्थापिका जो थी उसका क्या कार्य था, कानून बनाती है। फिर कार्यपालिका क्या, उसको क्रियान्वित करती है, मतलब उसको लागू करती है। फिर न्यायपालिका का क्या कार्य होता है कि जो उस कानून को नहीं मानता है, उसको दंड देती है और उसको कानून बनवाने के लिए बाध्य करती है। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट, सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। सबको समान न्याय सुनिश्चित करना ही न्यायपालिका का असली काम है कि सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। भाई, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सबको एक समान आपको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है ना। फिर न्यायपालिका के अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है एवं उसके अधीन विभिन्न न्यायालय या कोर्ट होते हैं। देखिए, देश का अर्थात भारत देश की अपन बात करें तो भारत देश में सबसे जो मुख्य होगा, सबसे बड़ा जो न्यायालय होगा वो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय। और इसके अधीन जो विभिन्न न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय हो गया, नगरीय न्यायालय हो गया और ये बहुत सारे न्यायालय होते हैं, तो ऐसे होता है सबसे सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक, और अपन इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय को ही पढ़ेंगे। जैसे राज्य में सबसे ऊँचा होगा उच्च न्यायालय और केंद्र में होगा सर्वोच्च न्यायालय। फिर आगे, भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान न्यायाधीश होता है। जिसका जो प्रधान होता है ना, वो प्रधान न्यायाधीश होता है। प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश होता है। अब अपन ने इन चारों पॉइंटों में जो जो पढ़ा उसको एक बार समझते हैं। हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय, सबसे भारत की जो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो शीर्ष है, मतलब जो सबसे ऊंची न्यायपालिका के अंतर्गत जो आता है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। देखते जाइए, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन आता है, उच्च न्यायालय। कौन आते हैं, उच्च न्यायालय। जो अपने भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, सिर्फ 25। ठीक है, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत आते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है ना। फिर हमने तीसरी बात क्या करी थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रधान होता है, वो कौन होता है, प्रधान न्यायाधीश। कौन होता है, प्रधान न्यायाधीश। अब मैं बात करूं वर्तमान में, कि भारत की वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, ऐसे बोबड़े, यानी शरद अरविंद बोबड़े। ये हमारे कौन है, अभी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं या प्रधान न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। और आपको इमेज भी मैंने दे दी है, ठीक है ना। क्या देखा हमने, सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय आता है, जो कि अपने भारत में 25 न्यायालय हैं ऐसे। फिर जो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधान न्यायाधीश, ठीक, या फिर अपन मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, ऐसे बोबड़े, या फिर हम कह सकते हैं इनको शरद अरविंद बोबड़े। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको ये क्या चिन्ह दिख रहा होगा, ये चिन्ह सर्वोच्च न्यायालय का चिन्ह है। क्या है, इस चिन्ह जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का चिन्ह है, जिसके नीचे एक वाक्य है, ये श्लोक लिखा हुआ है, यतो धर्म है ततो जय है।
यतो धर्मः ततो जय, यानी कि जहाँ धर्म होता है वहीं जय होती है। ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य, और ये जो चिन्ह है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय का चिन्ह है। समझ में आया, थोड़ा इसकी तस्वीर के बारे में भी डिटेल दे दिया मैंने, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आप देखेंगे तो इमेज भी दे रखी है सर्वोच्च न्यायालय की। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जो फोटो है वो उसकी है, भवन की, सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में हम क्या पढ़ेंगे। तो हम प्रत्येक पॉइंट के अंदर दो बातें पढ़ते हैं, हम प्रत्येक पॉइंट के अंदर कितनी बातें पढ़ते हैं, दो बातें पढ़ते हैं, पहला गठन और दूसरा उसका कार्य व शक्तियाँ, ठीक है ना। तो ऐसा ही हम इसके अंदर भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गठन को देखेंगे, किसको, गठन को देखेंगे। तो गठन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गठन के अंतर्गत हम 7 पॉइंटों पर विचार करेंगे। पहला होगा न्यायाधीशों की संख्या, दूसरा होगा न्यायाधीशों की योग्यताएं, तीसरा होगा कार्यपालिका तथा महाभियोग, चौथा होगा वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं, पांचवा होगा उन्मुक्तियां, छठा होगा न्यायालय का मुख्य स्थान, सातवा हो गया न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। इन 7 पॉइंटों पर हम विचार करेंगे आज, ठीक। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, न्यायाधीशों की संख्या से। न्यायाधीशों की संख्या, मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था की क्या की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया था। लेकिन 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, 31 कर दी गई। पहले कितनी थी, 7, लेकिन 2008 में कितनी कर दी गई, मुख्य न्यायाधीश सहित 31 कर दी गई न्यायाधीशों की संख्या। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो वकील होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब भारत के जो प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान समझिए, भारत के जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं ना उनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वे इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है, ठीक। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है और आपके लिखने में भी आ सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस व्यवस्था से की जाती है, किस व्यवस्था से की जाती है, कॉलेजियम व्यवस्था से। किससे, कॉलेजियम व्यवस्था से, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं। वह राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक। अब अपन चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है न्यायाधीशों की योग्यताएं। अब हम देखेंगे कि एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए अपने पास। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम कितने वर्ष, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। कितने वर्ष, 5 वर्ष। या फिर ये ना हो तो अपन ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट रह चुका हो। या ये भी ना हो तो राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, ये भी हो सकता है, ठीक। ये थी अपने न्यायाधीशों की योग्यताएं। अब चलते हैं अपन तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है कार्यपालिका अथवा महाभियोग। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश, पैंसठ वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। कितने वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व, मतलब इस अवस्था से पहले, वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। वो चाहे तो स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है। सिद्ध कदाचार
अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण। मतलब ऐसा लग रहा है कि उससे काम नहीं हो रहा है या उसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, तो इसके विषय में संसद के द्वारा, संसद यानी लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, इन तीनों के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको अयोग्य, मतलब जो एडवोकेट अपना न्यायाधीश है उसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर दें, तो भारत के राष्ट्रपति आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। मतलब वही है, सदन दोनों सदनों से ही 2/3 बहुमत पास करके अपन न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ये तो था अपना तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, जो है अपना वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। मुख्य न्यायाधीश को 1,00,000 रुपये मासिक, मुख्य न्यायाधीश को यानी प्रधान न्यायाधीश को कितने रुपए मासिक वेतन मिलता है? 1,00,000 रुपये। कितना? 1,00,000 रुपये। मतलब ऐसे जो बोबड़े हैं अपने वर्तमान में उनको कितने रुपए मिलते हैं? 1,00,000 रुपये। तथा अन्य न्यायाधीशों को कितने रुपए मिलते हैं? 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। ठीक, ध्यान रखिए, मुख्य न्यायाधीश को तो 1,00,000 रुपये और न्यायाधीशों को 90,000 रुपये। न्यायाधीशों के लिए पेंशन में सेवानिवृत्त पेंशन यानी ग्रेजुटी की व्यवस्था भी है। ठीक, वेतन एवं भत्ते समय समय पर संशोधित होते हैं, इसलिए इनको रखा, जोड़ा नहीं गया। वेतन एवं भत्ते समय समय पर संशोधित यानी बदलते रहते हैं। ठीक, अब पांचवा पॉइंट अपना क्या है? उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्तियाँ यानी जो आलोचनाएँ होती हैं ना अपनी, उनसे इनको मुक्तियाँ हैं। जैसे टॉपिक में देखते हैं, न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों में निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। मतलब वे जो भी कार्य करें या निर्णय लें उनके लिए उनको जो आलोचनाएँ होती हैं उनसे मुक्ति प्रदान की गई कि उनके ऊपर कोई भी आलोचना नहीं होगी। 6. न्यायालय का मुख्य स्थान। न्यायालय का जो मुख्य स्थान है यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य स्थान तय किया गया होगा, तो वो स्थान क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान जो कार्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली के अंदर। ये तो हुआ 6. अब लास्ट पॉइंट है अपना 7, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कि न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, क्या प्रतिबंध हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। तो संविधान में ये निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, ध्यान से देखिए, संविधान में ये निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, वे पद से निवृत्ति, मतलब पद को छोड़ने के बाद भारत में किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी से सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कोई वकील है उसने अपने 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली और उसको सेवानिवृत्त कर दिया गया, फिर वह कहीं भी ना तो वकालत कर सकता है और ना ही किसी पद या किसी न्यायालय पर पद ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये था आज का हमारा वीडियो। पूरी चैप्टर हो चुका है अपना क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 6 केंद्र सरकार। इसकी वीडियो, इनकी जो वीडियो के प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और